तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल को कैसे मोनेटाइज करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपने फोन में YT स्टूडियो ओपन करेंगे एंड YT स्टूडियो ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। हम अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि जो हमारा अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमने कम्प्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं, 4000 घंटों का वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो चुका है और हमारा 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी आना है और उसके साथ साथ आपका कम्युनिटी गाइडलाइन भी फॉलो करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे YT स्टूडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करने वाले इस प्रोसेस को। हम इस प्रोसेस को फायरफॉक्स ब्राउजर में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अपने फोन में फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करेंगे एंड वहाँ पे हम अपना चैनल का जो डैशबोर्ड है YT स्टूडियो का ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चैनल पे 1141 सब्सक्राइबर है। तो अभी सबसे पहले हम साइड में आपको ये डॉलर वाला सिंबल दिख रहा है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा एंड वही सेम जैसे वहाँ पे अप्लाई नाउ लिख के आ रहा था वैसे यहाँ पर भी लिख के आ रहा है। तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्टेप मेरे सामने आए हैं। तो फर्स्ट स्टेप है रिव्यू बेसिस टर्न, मतलब जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे और जो साथ में 2-स्टेप वेरिफिकेशन वो भी ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा। तो हम इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आई एग्री जो ये दे रखा है, आई एग्री द बेसिस टर्म्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे हम उसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप डन हो जाएगा। तभी हम यहाँ पे करते हैं वेट जब तक ये डन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा स्टेप 1 डन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अपना सेकेंड स्टेप है जो साइन अप फॉर गूगल एडसेंस है, तो यहाँ पे इस स्टेप को डन करेंगे। और बहुत से लोगों का यही स्टेप इधर आता है तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन देता है। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। तो मेरे पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ पर आप जिस ईमेल पे एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हो आओ, या फिर आपके जो चैनल का ईमेल है आप उस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आगे बढ़ोगे और उसका जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन आएगा आपके सामने। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक्सेप्ट एसोसिएट आएगा लिख के, तो आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद में गूगल एडसेंस का कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन आएगा। यहाँ पर आपको करना है सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक एंड उसके बाद में यहाँ पे आप रिडायरेक्ट आएगा तो आप रिडायरेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो इससे आपको यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप वहीं अपना मोनेटाइजेशन सेक्शन पे पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो हमारा इन प्रोग्रेस दिख रहा है, सेकेंड स्टेप हमारा इन प्रोग्रेस में चला गया है। और इसी प्रोग्रेस को ध्यान से देखा होगा तो आप समझ जाओगे, नहीं तो आपका स्टेप 2 अधिकतर एरर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 घंटे बाद मेरा स्टेप 2 भी डन हो चुका है और जो मेरा स्टेप 3 है वो ऑटोमेटिक इन प्रोग्रेस में चला गया है, यानी कि अब मेरा जो चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब टीम के पास पहुँच गया है। अब वो टीम देखेगी, मेरे चैनल को रिव्यू करेगी, उसके बाद ही वो चैनल को मेरे एक्सेप्ट करेगी एंड उसके बाद फाइनली 12 घंटे बाद मैंने अपने चैनल को ओपन किया तो यहाँ पे लिख के आया कांग्रेचुलेशन, तो थैंक्स फॉर एवरीवन, यार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद भी बहुत सारी सेटिंग है। तो अभी हम यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से अब मोनेटाइजेशन सेक्शन में हमारा ओपन होके आ रहा है। यहाँ पे अभी इतने सारे ऑप्शन दे रखा है जो कि हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, लेकिन अभी हमारी वीडियोज मोनेटाइज नहीं हुई है। उन सभी वीडियो को हमें मोनेटाइज करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद आपको क्या सेटिंग करना है, चीज को आप ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी कोई डॉलर का सिंबल नहीं दे रहा है बना के, क्योंकि अगर हमारा वीडियो मोनेटाइज नहीं है अभी हम वापस चैनल मोनेटाइजेशन पे आके यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो दिख रहा है वॉच पेजेड एड्स, यहाँ पे हम जो हमारी वीडियो पे एड्स स्टार्ट करना है। तो अभी हम यहाँ से पहले अपने इस ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद ही हमारी वीडियोज मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ के लिए रेडी होंगी। अभी हम यहाँ पे गेट स्टार्टर पे क्लिक कर रहे हैं एंड गेट स्टार्टर पे क्लिक करने के बाद हमसे टर्न ऑन करेंगे एंड टर्न ऑन करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आई एक्सेप्ट द वॉच पेज करके कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ पर हम क्लिक करके एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में हमारा पेज देख सकते हो ये हमारा एड्स टाइप के खुल चुके हैं कि हमारे वीडियो पे किस टाइप के एड्स हैं।
तो मैंने सारे एड्स अपने इनेबल कर रखे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन फिनिश लेटर और मोनेटाइज आल। तो मैं यहाँ पे मोनेटाइज आल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियो एक ही बार में सारी मोनेटाइज ऑन कर दे रहा हूँ वीडियो का। यहाँ पे मोनेटाइज आल पे मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे लगेगा थोड़ा टाइम सारी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन होने में। तो तब तक आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो एक लाइक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो मोनेटाइज हो चुकी है एंड वापस में हम अब कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ये हमारा मोनेटाइजेशन सेक्शन दे रखा है और बहुत सी वीडियो पे ऑफ है, बहुत सी वीडियो पे ऑन है। तो हमारा लॉन्ग वीडियो पे ऑन है और जो हमारी शॉर्ट वीडियो है उन सभी पे हमारा मोनेटाइजेशन ऑफ है। तो शॉर्ट वीडियो में कैसे मोनेटाइजेशन ऑन करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ सेकेंड वीडियो में, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी जो मोनेटाइज होने के बाद जो सेटिंग है आपको ओनली वो समझनी है। अभी इस तरीके से अपनी सारी वीडियोज का मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं एंड उसके बाद क्या करना है आपको। तो अभी मैं अपना क्रिएटर स्टूडियो में जाके वहां से आगे का प्रोसेस बता रहा हूं आपको। तो अभी हम वाइटी स्टूडियो में आने के बाद आर्म पे क्लिक करेंगे एंड शॉर्ट एंड फीड पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके टर्न ऑन करके यहाँ एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स करके इसे ओके करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो फिर अब हमारे सामने सुपर वाला है, उसे भी सेम इसी प्रोसेस से एक्टिव करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना हमें फुल नेम डालना है और अपना जो चैनल का ईमेल है या किसी दूसरा ईमेल है कोई भी ईमेल डाल सकते हैं एंड ईमेल डालने के बाद अपना चैनल का नाम या अपनी कंपनी का नाम या कुछ भी डाल सकते हैं जो हमारी कंपनी है। यहाँ पे जो हमारी कंपनी है कंपनी का नाम डाल के हम यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। आपको वाइट स्टूडियो में एक चीज का ध्यान देना है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद में जब अर्न सेक्शन पे आपके तीनों ऑप्शन एक्टिव होने चाहिए तभी आपकी वीडियो मोनेटाइज होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में और आप लोग कमेंट करके बताओ आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है।